वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने इंजन फोर्स एनालिसिस। मैं बात कर रहा हूँ इंजन फोर्स एनालिसिस की, और जो इंजन फोर्स की बात करूँगा वो मैं करूँगा सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के अंदर जो आपका पिस्टन होगा उसके ऊपर। तो मैं आपके यहाँ पे सामने कुछ एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में हो जाए। तो ये मेरा पिस्टन है, मेरा पिस्टन है, ये मेरी कनेक्टिंग रॉड, ये मेरी क्रैंक। तो आपको पता है ये इस एंगल को मैंने फाइ लिया, इस एंगल को थीटा। आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखे लास्ट वाली जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस फॉर द सिंगल स्लाइडर मैकेनिक्स के लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट निकाला है और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड जिसमें फाइंड आउट किया, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका एक पिस्टन फोर्स काम कर रहा होता है, देयर इज अ एफ, और ये पिस्टन फोर्स आपका कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसफर होता है। किस टर्म में? आपका एफ सी में ट्रांसफर होता है। एफ सी इज द कनेक्टिंग रॉड फोर्स। जब भी आपका लौट के आता है, मतलब इनिशियल पार्ट में जब आपका इस पार्ट में जब जा रहा होगा ये लौट के आ रहा होगा, क्योंकि आप देखो जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा पिस्टन, इस डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो कनेक्टिंग रॉड फोर्स आपका अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। जब यहाँ पे लौट के आ रहा होगा तो ये पिस्टन आपका पीछे आ रहा होगा, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद इस फोर्स को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, दैट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड एफ सी। इसके 90 डिग्री पे जब मैंने इसको लिया, दिस वन एंगल इज 90 डिग्री, लग रहा नहीं है पर ये 90 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए 90 डिग्री है। तो इसको बोलता हूँ मैं एफ थ्रस्ट, मतलब इसको क्या बोलता हूँ? थ्रस्ट फोर्स बोलता हूँ। इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आता है आपका, इसको बोलता हूँ एफ बी, दैट्स अ बियरिंग फोर्स जो कि आपकी बियरिंग पर लगता है यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि दैट्स अ फाई, दैट इज अ थीटा, तो ये एंगल मेरा कितना बचेगा? 80 माइनस थीटा प्लस फाई। दिस वन इज अ स्ट्रेट वन लाइन, तो ये एंगल कितना आएगा मेरा? थीटा प्लस के। सबसे पहले बात करते हैं पिस्टन फोर्स की। पिस्टन फोर्स के अंदर आपका क्या होता है कि आपको एक सिलेंडर दिया होता है, उसके अंदर मेरा क्या होता है? एक पिस्टन होता है। पिस्टन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपको पता होगा जैसा गर्दन पिन और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड से अटैच्ड होगी। तो इस धर की जो साइड होगी आपका, तो उधर जो आपको प्रेशर लग रहा हो दैट्स अ पी वन, और जो का एरिया होगा वो होगा मेरा ए वन। यहाँ पर जो मेरे फोर्सेस लगा रखे हैं वो आपका किसके एज, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपका एरिया कम है, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर क्या लिया? पी टू, और यहाँ का एरिया कितना लिया? ए टू। तो आपको होता है कि फोर्सेज इक्वल क्या होता है? फोर्सेज इक्वल होता है आपका प्रेशर इंटू एक्सेलरेशन। तो प्रेशर कितना? प्रेशर इंटू एरिया माइनस के पी टू इंटू ए टू, क्योंकि मेरा जो निकाला है फोर्स वो कितना है मेरा? नेट फोर्स। क्या है वो मेरा? नेट फोर्स निकाला है मेरा। नेट फोर्स क्या होगा आपका? जो डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है प्रेशर इंटू एरिया, और जो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है प्रेशर इंटू एरिया, उसके बराबर होगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया है? इसको मैंने बोला आपका पिस्टन फोर्स। अगर आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा आपका? इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा। ये इनर्शिया फोर्स कुछ कंडीशन में तो आपका सपोर्ट करेगा, और कुछ कंडीशन में क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो वो आपके पिस्टन फोर्स के लिए क्या होता है कि एफ इज इक्वल, इसको प्रेशर फोर्स मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, कि प्रेशर फोर्स में से वो क्या करेगा? कभी तो आपका सब ऐड कराएगा उसकी वैल्यू में, और कभी क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। देयर इज इनर्शिया फोर्स। इसके बाद आपके और भी फोर्स होते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ उसका कि अगर आपके फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ, अगर फ्रिक्शन फोर्स भी इसके साथ है तो क्या होगा कि जब जब मेरा पिस्टन चलेगा तो उसकी जगह से एक आपका क्या फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो उसके नेट फोर्स को क्या करेगा? कम करेगा। तो प्रेशर फोर्स माइनस के इनर्शिया फोर्स माइनस के फ्रिक्शन फोर्स। मैंने माइनस इसलिए बोला क्योंकि मैंने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो आप कंसिडर किया है जिसमें आपका इनर्शिया क्या करता है? आपका अपोज करता है। इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि मेरे को पता पड़ा दैट्स अ पिस्टन फोर्स, पिस्टन फोर्स की वैल्यू मेरी कितनी होगी? इतनी। अगर आपको ये चीज़ें गिवन नहीं दी तो आप डायरेक्ट इतनी वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर आपको दो एरिया भी नहीं दिए तो आप डायरेक्ट पी वन इंटू ए वन कर सकते हो, तो आपको पिस्टन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक आपका थ्रस्ट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं मैं एफ एन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए कि कनेक्टिंग रॉड का फोर्स कुछ इस तरीके से लगा होगा एफ पर, और एफ मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये एंगल मेरा कितना दिया है? फाई दिया है। तो मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो आपको पता पड़ेगा कि दिस वन एंगल इज अ फाई। तो ये आपका एफ सी इधर कंपोनेंट लगेगा, कितना आएगा आपका? एफ सी कॉस फाई। तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा थ्रस्ट फोर्स ऑन पिस्टन कितना है?
एफ, पहले देख लीजिए यहाँ पे जो आपका थ्रस्ट फोर्स कितना है, यहाँ पे आपका कितना लगा था एफ एन, और इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ सी साइन फाइव। तो कितना निकल के आएगा आपका, एफ एन इज इक्वल एफ सी साइन फाइव। और आपको पता है एफ सी क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड का फोर्स है, तो वो तो मुझे पता नहीं है, तो वो देख लेते कितना आएगा, फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड, फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड, तो कितना है फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड, देखिए एफ सी, देखिए एफ सी देखो आपके इस डायरेक्शन में लगा है एफ सी कॉस फाइव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा है आपका एफ, तो किसकी वैल्यू आएगी, एफ सी कॉस फाइव इज इक्वल एफ, तो कॉस फाइव को इसका डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा आपका, एफ सी इज इक्वल एफ ओवर कॉस फाइव। तो यहाँ पे मैं एफ सी की वैल्यू रख सकता हूँ इन टर्म्स, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, एफ ओवर कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, तो साइन फाइव ओवर कॉस फाइव क्या होगा आपका, एफ टेन फाइव। तो आपको पता पड़ा कि थ्रस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी, एफ टेन फाइव, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ गई मेरी। इसके बाद वो आपसे पूछता है कि जो आपका टर्निंग फोर्स होता है दैट्स अ थ्रस्ट फोर्स ऑन अ बियरिंग वो कितना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दैट्स अ 90, और ये देखो 90 है आपका, 90 से एफ सी लगा हुआ है, तो आपके जो दो कंपोनेंट है देखिए इस डायरेक्शन में क्या है आपका कॉस वन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका एफ सी कॉस थीटा प्लस के फाइव, यहाँ कितना कंपोनेंट है आपका साइन वाला कंपोनेंट आएगा, तो कितना आएगा आपका एफ सी साइन थीटा प्लस के फाइव। तो यहाँ पे देख लीजिए फोर्स ऑन बियरिंग, तो बियरिंग की बात करूंगा तो क्या आएगा आपका एफ बी, तो एफ बी के इक्विवेलेंट कितना है आपका एफ सी कॉस थीटा प्लस के फाइव, तो आपको तो एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ ओवर कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा प्लस के फाइव, तो ये आपकी क्या वैल्यू निकल के आई, एफ बी की वैल्यू निकल के आई, तो एफ बी की वैल्यू आपकी आ गई। इसके बाद थ्रस्ट फोर्स ऑन बियरिंग, थ्रस्ट फोर्स ऑन बियरिंग कितना होगा आपका, इसका सेकेंड वन कंपोनेंट कौन सा है ये, तो कितना निकल के आएगा आपका एफ टी इज इक्वल एफ सी साइन थीटा प्लस के फाइव, तो एफ ओवर कॉस फाइव, एफ सी की वैल्यू लगा दी साइन थीटा प्लस के फाइव, ये क्या निकल के आया मेरा एफ टी, तो ये मेरे एफ टी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसके बाद एक और चीज़ पूछता है इसके अंदर, देयर इज अ टर्निंग मोमेंट, क्या पूछता है आपसे, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टी, और वो क्या होता है आपका एफ टी इंटू आर, क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयर इज अ टॉर्क, वो कहता है एफ टी इंटू आर, तो एफ टी की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ ओवर कॉस फाइव साइन थीटा प्लस के फाइव इंटू आर, तो आपको ज़्यादा इसमें ओपन अप करने की ज़रूरत नहीं है, दिस वन वैल्यू, इसके अंदर आप डेटा के अंदर वैल्यू पुट मिलेंगी आपको, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है मेरी तो प्लीज़ टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।